हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो 5 मिनट के अंदर पिक्चर्स लेकर आया हूँ स्टोरी, उसका नाम है राम सेतु। राम सेतु के अंदर मेन मेल मेल लीड रोल के अंदर है अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और अपना नुसरत भुट्टा। पिक्चर के अंदर जो नुसरत भुट्टा है वो अक्षय कुमार की वाइफ बनी है। अब पिक्चर में है कि अक्षय कुमार आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अपना क्या होता है कि हर चीज़ की बताते हैं, भी पुरानी चीज़ें कौन कितनी चीज़ पुरानी है और कब तक इसका सन था या कब इसकी खोज की गई थी। अब स्टार्टिंग में दिखाते हैं, बताते हैं ये सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर होते हैं। अफगानिस्तान में जो बुद्धा की मूर्ति होती है उनको जो टेररिस्ट तोड़ देते हैं, अब उनको रिक्रिएट करना होता है, वहाँ पर पहुँचे होते हैं। तो वहाँ पर इनको एक खजाना मिल जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान के भी साथ में मेंबर्स होते हैं, एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये इन्होंने मिल गया है, इनकी उपलब्धि है, ये हुआ है। और जब इंडिया में वापस आते हैं तो उसको डॉक्टर बना देते हैं और वो उसको एक बड़ी पोस्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन जो राम सेतु होता है उसको तोड़ने की प्लानिंग करी होती है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक जो शिप कंपनी का मालिक होता है वो उसको होता है कि भाई मेरे को ये अगर तोड़ दिया जाएगा तो मेरी शिप्स इधर से उधर इजीली मूव कर जाएंगे, मेरे को बहुत सेविंग हो जाएगी। तो वो एक एफिडेविट जमा कराना होता है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि भाई ये राम सेतु जो है कि वो मानव से बनाया हुआ नहीं है, ये एक काल्पनिक है, वैसे बना हुआ है वहाँ पे, बस प्रकृति के द्वारा बन गया है। अब यहाँ पे उसको अक्षय को तरफ फोर्स करते हैं कि भी करने के लिए कर रहे हैं, अक्षय के बार नई पोस्ट होता है, वो एक रिपोर्ट लेके लिख देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाती है रिपोर्ट, उसकी बहुत बुराई होती है हर एक घर वाले के, उसके जो बच्चे को उसको बुराई सहना पड़ता है, उसकी बीबी को भी सहना पड़ता है बुराई, कि लोग कहते हैं ये तो नास्तिक है, ये है, हुआ है, तो उसको वहां से सस्पेंड कर देते हैं अपनी पोस्ट से। बस थोड़ी देर में यही दिखाते हैं कि जो वो जो अपना जो शिप का मालिक होता है वही इसको अपॉइंट कर लेता है कि भाई तू इसकी खोज करिए रियल में है क्या, जबकि उसकी प्लानिंग यही होती है कि भाई ये इसके थ्रू इसको गलत प्रूफ कर दिया जाए। अब अक्षय कुमार उनके साथ लग जाता है, अक्षय कुमार के साथ जो एक और साइंटिस्ट के रूप में आती है वो आती है जैकलिन फर्नांडिस, और एक लड़की और होती है। अब ये सारे मिलके कर रहे होते हैं, इसको सारी चीज़ें दे दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यहाँ पे जो शिप का मालिक होता है वो उसको ये भी कह जाता है भी इन पर नजर रखे, एक दूसरा आदमी होता है, ये पानी के अंदर जाके निकाले एक स्टोन निकाल के ले आते हैं, स्टोन वो तैरता होता है। अक्षय कुमार ये प्रूफ बोल देता है भी ये स्टोन है, ये सब कुछ है, ये उसी टाइम का है जब राम जी ने किया था, और ये कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे उसको लग जाता है जो उसका ऑनर होता है शिपिंग कंपनी का, कि भाई ये तो मेरा साथ देगा नहीं, ये तो सच्चाई का साथ दे रहा है, और मैं यहाँ पे फिर एफिडेविट नहीं दे पाऊंगा कि भाई ये चीज़ गलत है। तो वो उसको अक्षय कुमार ने मारने की कोशिश करता है, अक्षय कुमार करते करते भागता है वहां से और श्रीलंका में एंटर कर जाता है। वहां पे एक लड़का साउथ का एक्टर है, वो जो इस फिल्म में है, वो अक्षय कुमार को वहां मिल जाता है, वो उनका साथ देना लेता है भाई चीज़ें, हर एक चीज़ को करने के, भाई श्रीलंका में कहाँ पे है ये चीज़ें, वाटिका कहाँ पे है, या अपना जो रावण था उसे कहाँ था, गुफा कहाँ थी, उनके साथ करता रहता है। और एक वो डायरी होती है, डायरी के ऊपर लिखता रहता है भाई तुम्हारा खर्चा है, मैं यहाँ का गाइड हो चाह तुम्हें बताता रहूँगा और तो खर्चा ऐड करता रहूँगा, एंड में तुम्हें सारा पेमेंट करनी पड़ेगी। अक्षय और जैकलिन दोनों मान जाते हैं। बीच में वो लड़का जो दूसरा अपॉइंट किया होता है भाई विलन जो होता है कि इन पर नजर रखो, वो इससे एक बार हेलीकॉप्टर गोली मार जाता है, तो तीसरी लड़की होती है वो मर जाती है। अब जैकलिन और अक्षय रह जाते हैं और तीसरा लगा जो साउथ का जो हीरो है वो रह जाता है। ये अपना खोज करते हैं, इनको एंड में रावण की वो गुफा मिल जाती है, वहां से उनको चीजें भी बहुत सारी मिल जाती है, वहां से बाहर आते हैं, बाहर आके विलन फिर आ जाता है, फिर लड़ाई वगैरह होती है, करा के ये दोबारा इंडिया पहुंच जाते हैं। अब इंडिया में उसका केस चल रहा होता है वही राम सेतु का, बस वहां से इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया में उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा होता है, अक्षय कुमार वहां पे एंट्री करता है, बताता है सर जैसा मुझे बताया जाए मैं सही फैक्ट्स और सारे बताऊंगा, कोई जज अपना फैसला देने वाला होता है। अक्षय कुमार फिर सारा रखता है भी ये सारी चीज़ें दिखाता है, स्टोन जो वहाँ फोटो वगैरह खींच के दिखाता है सब दिखाता है कि भाई ये जनरली ये है, ये राम सेतु है वो अपना राम जी ने ही बनाया, ये या मैन मेड है, ये कोई और वो नहीं बन गया कि आपने बन गया ऐसे कर दिया, उस चीज़ को प्रूफ कर देता है। यहाँ पे अपना सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे देती है जब तक ये पूरा और नहीं आते हैं तब तक इसको कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या कुछ तोड़ नहीं सकते, वहीं पे वो सिंबल उसको स्टे दे देता है। बस अक्षय कुमार फिर बाहर आता है सारा, फिर अक्षय कुमार के दोबारा वही घूमता है, क्योंकि जो उनका जो श्रीलंका का दोस्त बना होता है साउथ जो कोई उसको भी गोली मार देते हैं वो भी मर जाता है हेलीकॉप्टर गिर के, तो उसको दिमाग में आता है यार वो था कौन, वो इतनी हेल्प कर रहा था हमारी, इतना कर रहा था। बस अक्षय कुमार के उसके सामने बैग आ जाता है, बैग में डायरी होती है उसकी जिसमें वो लिखता रहता है भाई खर्चे के ऊपर खर्चा ये खर्चा। अक्षय कुमार डायरी खोल के देखता है तो उसमें श्री राम लिखा होता है। बस इसको जो फिल्म में लिंक कर दिया गया, हनुमान जी से लिंक कर दिया गया कि जैसे हेलीकॉप्टर में जंप करके चढ़ता है एक बार बीच में, वो भी बिल्कुल जैसे हनुमान जी छलांग मारते हैं वैसे ही चढ़ता है, तो वो पूरा नाम भी जो होता है वो उसी के लेके प्रोनाउंस कर रहा होता है, तो वो इसको लिंक बना दिया गया हनुमान जी ने अक्षय कुमार की हेल्प करी। तो एंड में पिक्चर स्टोरी अच्छी है, एक बार देखने लायक है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। कोई पिक्चर के अंदर राम सेतु के ऊपर है तो पिक्चर दोस्तों बहुत चलेगी।
मेरे हिसाब से पिक्चर को 3 स्टार दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे आपको 5 मिनट के अंदर फिल्म की स्टोरी सुनाएंगे। तब के लिए आप देखते रहिए मायापुरी कट।